बातें बोलना चाहता हूं। हम एकता की बात तो करते हैं, लेकिन मैं समाज में देखता हूं कि हमारे समाज में हजारों ऐसी संस्थाएं हैं जो जाति के नाम पर संस्थाएं बनाकर बैठी। जब जाति की बात चलती है तो मेरे दिमाग में एक चीज का प्रश्न उठता है, जब मैं अपनी जाति से जुड़ता हूं तो मैं समाज को तोड़ने का काम करता हूं, ये मेरी सोच है। जब जब हम अपनी जाति से जुड़ेंगे, जब जब हम अपनी जाति की बात करेंगे, हम समाज को तोड़ने का ही काम करेंगे, उसे जोड़ने का काम कभी कदापि नहीं कर सकते। तो जो संस्थाएं जातियों के नाम पर बनी हुई हैं, जो संस्थाएं अपनी अपनी दुकानें खोलकर बैठी हैं, पहले तो वो अपनी जाति का जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें, जो जाति के नाम पर संस्थाएं बनी हुई हैं उनको खत्म करें, और एक ऐसी संस्था के रूप में वो काम करें जिसे हम समाज कह सकते हैं। लोगों में भ्रांति है, लोगों में भ्रांति है कि जो जाति है वो समाज है। दोस्तों, जाति समाज नहीं है, जाति जाति है। एक 6,000-7,000 जातियों में हम बने हुए हैं, ये जातियां अगर समाज होती तो हम बने कौन? ये सभी जातियों को अगर हम खत्म कर लें, और ये काम हम खुद ही कर सकते हैं, हमें तो दूसरे लोगों ने जातियों में बांटा, लेकिन आज भी हम उन्हीं के द्वारा चलाए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए, जो आज का जो सब्जेक्ट है, इन शक्तियों को, शक्तियां क्या है, ये हमारी जातियां जिनमें हम बटे हुए हैं, इसे हम शक्ति बोलते हैं, उन्हीं को इकट्ठा करने की हम बात कर रहे हैं। ये जातियां शक्ति नहीं है। जिस दिन हम अपनी जाति, इस बात को अगर हम समझ लें, जिस दिन हम अपनी जाति को खत्म करके वंश पर आ जाए, एकत्रित हो जाए, अपनी जाति का नाम ही ना लें, मैं उसे एक शक्ति के रूप में देख सकता हूं। वरना हम हमारे से हम हजारों साल से बटे हुए हैं, अगर हमने जातियों को याद रखा तो हम बटे रहेंगे। ये कोई अच्छी भावना नहीं है। हर आदमी अपनी जाति का नाम लेते हुए गर्व महसूस करता है। ये क्या गर्व की बात है? ये जाति क्या गर्व की बात है? दूसरा, अगर हमें जाति सुनकर सब बोलता है तो हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन हम खुद उस जाति से बटे हुए हैं। दोस्तों, मैं तो ये मानता हूं कि जिस दिन हम अपनी जाति भूल जाएंगे, उस दिन हम एकता के सूत्र में बंधने का एक कदम आगे बढ़ सकते हैं, एक कदम ले सकते हैं। तो मेरी आपसे यही विनती है कि इस भावना से जरा ऊपर उठें, अपनी जाति को भूलने की कोशिश करें, कई शब्द करें यानी कि हैं, उनसे हम अपने को जोड़ें तो हमारा कुछ भला हो सकता है।